I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. ये देखो भाई, विटामिन की गोली है यार, स्किन का विटामिन सी अच्छा होता है स्किन के लिए, वो गोली लेनी पड़ेगी यार अभी। What's good YouTube? Welcome to my YouTube channel. कैसे हो आप लोग? ये इंट्रो लेजेंडरी इंट्रो है, क्यों पता है? क्योंकि दो साल पहले जब पहली बार YouTube स्टार्ट किया था तब मेरा इंट्रो था ये। तो यार अभी मैं बताता हूँ क्या सीन है। अब देखो, मेरा मन कर रहा है कम बैक करने का, ठीक है, जो मेरा बड़ा चैनल है, मेन चैनल है, वहाँ पे कम बैक करने का मेरा बहुत 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 मन है। बट इतना है कि पुरानी चीजों में वापस नहीं जाना, नया चैप्टर है भाई। लट गार्ड ने बोला है मेरे को, रोम रोम जी को तुम लोग नहीं देखते हो, देखो यार, जापान में एक इंडियन रहता है जो आप वहाँ पे व्लॉग करता है, बहुत सही है यार, बहुत सही है। ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स है जो मुझे इंस्पायर कर रहे हैं अभी बहुत ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा व्लॉग्स देख रहा हूँ कि हाउ टू डू दैट, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, ठीक है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। एरोगेंट समझ लो, जो चाहिए समझ लो, बट आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट एट वॉट आई एम डूइंग, नहीं तो मेरे को यार सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है खुद से, इसलिए मैं सीख रहा हूँ ये सब चीजें इंडिया में अपने साइड से, अपने पनवेल से, फर्स्ट एवर, ठीक है, फर्स्ट एवर, द बिगेस्ट एवर बनने का मेरे को, ठीक है, अपने साइड को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं नई मुंबई को हमेशा। एंड यार है यहाँ पे बड़े यूट्यूबर्स भी यहाँ के है, बट वो उतने प्राउडली सीना तान के बोल के नहीं चलते कि यार हम यहाँ के वहाँ के जो भी है, बट हम तो है यार, हम तो पनवेल के, हम गॉश मास्क पहन के घूमते भाई कहाँ पे। मेरा एक भाई है जो रैपर है, जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट रैपर है, इंडिया का फास्टेस्ट रैपर है, उसको कौन सा इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड से शायद मेडल सब आया था, उस सबसे ज्यादा फास्ट रैप करने वाला बंदा है वो अपने यहाँ का। तो उसका स्पेशलिटी ये है ना कि वो हमेशा हर वीडियो में मास्क पहन के, मतलब पहले भी, शायद कोविड से, नहीं कोविड से पहले तो उसका कुछ था ही नहीं, बट वो मास्क उसका एक ये हो गया है, वो मास्क पहन के रहता है। तो फिर उसने उसका मास्क ऐसा प्रिंट करा है जिसमें गॉश म्यूजिक लिखा है, बहुत स्टाइलिश है। तो फिर लोग ना, मैं जाता हूँ ना जहाँ पे भी, वो लोग देखते रहते भाई ये कौन सा मास्क है भाई, ये क्या है, मस्त है, रुको दिखा दो मैं, ये रहा भाई, ये रहा गॉश म्यूजिक, ये ऐसा रहता है। तो देखा क्या सेक्सी लगता है भाई, सेक्सी मास्क है, सेक्सी आर्टिस्ट भी है, इंडिया का नंबर वन रैपर है वो, इंडिया का नंबर वन रैपर है। और ये मेरा सिर्फ ओपिनियन नहीं है, बहुत लोग मानते हैं। अभी फिलहाल तो मैंने वो रोड ट्रिप वाली एक मोटिवेशनल टाइप वीडियो बनाई थी, वो रोड ट्रिप का मैंने एडिटिंग कर दिया है, वो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ये वाला व्लॉग भी मेरे को जल्दी से अपलोड करना है, मेरे को कुछ पता नहीं कि आज क्या इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं। बट मोस्ट ऑफ माय ऑडियंस इज फ्रॉम दिल्ली, भले मेरा मेन चैनल हो, ये तो मैंने ज्यादा प्रमोट नहीं किया व्लॉगिंग चैनल, बट जो मेन चैनल है वहां पे तो यार मेनली मेरा ऑडियंस दिल्ली से है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि उनको यार यहाँ का, अगर किसी को भी मुंबई आना है या किसी को भी पता करना है कि यार यहाँ पे कैसे होता है, क्या होता है, भले ये प्रॉपर मुंबई नहीं है, नई मुंबई है, बट आई गेस हम लोग ऐसे बाहर जाके मस्ती करके जो भी है। तो अभी मेरा दोस्त भी आएगा राकेश, थोड़ी देर में उसके साथ थोड़ा मस्ती करेंगे और फिर देखते हैं आज फिर क्या होता है कैसे नहीं। तो यार मैंने सोचा था कि भाई कुछ अच्छा होगा, कुछ अलग होगा लाइफ में, तब जाके मैं व्लॉग बनाऊंगा या रिकॉर्ड करूंगा, कुछ एंटरटेनिंग मिलेगा तो ही होगा। बट यार नहीं, व्लॉगिंग मतलब ये होता है कि अपना लाइफ पूरा दिखाना, और डेली व्लॉगिंग करने का ही सोच रहा हूं मैं अभी, हर दिन कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके कुछ ना कुछ, क्योंकि यार बहुत लोग दिवाली वाला वीडियो देख के काफी इंस्पायर हुए, बहुत अच्छा लगा उनको कि यार ये बहुत सही था वीडियो, और बड़े बड़े कमेंट्स डाले, मेरे को बहुत पसंद आया यार। मेरे को यही तो था, मैंने बोला था वीडियो में कि किसी ना किसी को तो काम आएगा, किसी को तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने किया था। अभी मेरे को कुछ पता नहीं है कि आज क्या होने वाला, क्या है कुछ नहीं है, बट वही एक अनसर्टेनिटी के वजह से ही तो हम सब जिंदा है ना, लाइफ इज अ प्रोसेस, ठीक है। ये अभी धीरे धीरे चीजें समझ रहा हूं मैं, इतना बड़ा रॉक बॉटम हिट करने के बाद कि यार मेरे को पता ही नहीं कि रहना कैसे, या फिर मेरे को पता नहीं कि जिंदा रह के क्या करूंगा मैं। उसके बाद मेरा रूटीन टोटली चेंज हो गया एकदम से भाई। मम्मी वापस आ गई, मम्मी का है क्या पता नहीं मेरे को, अब मैं 3 टाइम खाना खा रहा हूँ कि सुबह, दोपहर और रात को। ये तुम लोग बोलोगे इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, बट यार मैं नहीं था ना वैसा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना इसलिए। और मैं रात को जल्दी सोने लग गया हूँ, 3 या 4 बजे सोता था, या फिर 5 या 6 बजे सोता था सुबह के, बट अभी मैं 12:30 तक गेम पूरा खेल के खत्म कर देता हूँ। और मेरे को यार एसिडिटी का भी इशू हो गया है, पता नहीं यार यहाँ पे कुछ तो होते रहता है ऐसा पेट के अंदर, पता नहीं। तो वही मैं खाना नहीं खाता था, 2 ही टाइम खाता था, अब मैं 3 टाइम खा रहा हूँ, तो फिर बढ़िया लग रहा है मेरे को यार। हमारे हिप हॉप के एक सिड टीवी करके एक चैनल थे, सिड भाई, वो मेरे बड़े भाई जैसे एकदम कनाडा में रहते, उनका आज सुबह मैसेज आया कि
कि यार तेरा क्या चक्कर है, इंस्टाग्राम में तू दिख रहा नहीं है, क्या है, तुझसे बात नहीं हुआ, तो ठीक है ना ब्रो, सब ठीक है ना, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी मेरे को, मेरे को इतना अच्छा लगा ना भाई कि यार ये बंदा कनाडा में रह के भी थोड़ा टाइम निकाल रहा है हमको पूछने के लिए कि यार सब ठीक है कि नहीं, और यहाँ के लोग है, सबको तो नहीं बोलूंगा मैं, है मेरे क्लोज फ्रेंड्स तो बहुत सही है, बट फिर भी कि जिन जिन के साथ बचपन से पढ़े हो आप, और फिर क्या बोलते हैं, कैसे बताओ यार, बचपन के दोस्त लोग जिनके साथ मेजोरिटी ऑफ योर लाइफ अभी तक का तुमने बिताया, और उनको फर्क भी नहीं पड़ता है कि तुम जिंदा हो क्या हो, एक बार कॉल करके पूछना, ये सब पूरा बदल गया है यार। अरे चार्ज नहीं है क्या? ये देखो मेरा वॉलपेपर भाई, यू कांट डू बिग थिंग्स इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय स्मॉल थिंग, ऐसा सीन है भाई। बट हाँ, सिड भाई का मैसेज आने के बाद यार मेरे को बहुत अच्छा लगा, उनसे भी बात करूंगा मैं थोड़े टाइम के बाद, अभी तो फिलहाल थोड़ी सी नींद भी आ रही है, बट मेरे को आउटलास्ट जो गेम होती है, भूत का जो गेम होता है, तो मेरा जो क्लाइंट है प्रोफेशनल मैग्नेट, उसका यूट्यूब चैनल है, एंड मैग्नेट टीवी उसका सेकंड चैनल है, तो सेकंड चैनल पे वो ऐसा मेन कंटेंट्स बनाता है हाई एफर्ट्स वाले, तो वहां की गेमिंग वीडियो है उसका पार्ट वन तो दे दिया मैंने, सेकंड पार्ट देना बचा है, और मैं सोच रहा हूँ कि जो मेन चैनल है ना, मेन चैनल पे गेमिंग वीडियोस धड़ाधड़ अगर मैं कैसे भी डेली अपलोड कर पाऊँ ना, मेरे क्या हो गया भाई, कुछ तो रुको यार, मैसेज आ गया, मेडिटेट 8 to 9 AM, डन की नहीं पूछ रहा है मेरा फोन, यार आज तो मेडिटेट नहीं किया, बट फिर मेरे को करना है आज, आज थोड़ी देर में अभी कर लेता हूँ मेडिटिंग, मेडिटिंग क्या, एडिटिंग और मेडिटेशन मिक्स हो गया, मेडिटिंग हो गया, बट मेडिटेटिंग, ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो एडिट करके अभी जो मेरा क्लाइंट है प्रोफेशनल मैग्नेट उसको देने का है, एंड पार्ट वन तो उसका दे दिया, पार्ट टू देने का है, तो वर्क रहता है, मैं कैसे भी करके ना, मेरी कोशिश ये है कि कुछ भी करके मेरे को डेली अपलोड कैसे भी हो कंसिस्टेंटली अपलोड करना शुरू करना है, डेली व्लॉगिंग ट्राई करूंगा पहली बार, कैसा रहता है क्या रहता है अभी मेरे को समझ में आएगा, बट इट विल बी फन यह दैट्स फॉर श्योर। और मेरे को हिट ह्यूमन पे भले सब कुछ यार, हिट ह्यूमन एक प्यूडीपाई टाइप चैनल था, मतलब प्यूडीपाई का कैसे सब कुछ एक चैनल पे रहता है, म्यूजिक वीडियो हो, मीम रिव्यू हो, या गेमिंग चैनल हो, गेमिंग वीडियोस हो, जो भी हो, तो वैसा टाइप एक चैनल बनाना है उसको, जहां पे मैं फ्रीली कुछ भी कर पाऊ। हिप हॉप में घुस गया था, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं क्रिएटर से मिल पाया, फिर उनके बीच में भटक भी गया मैं, इन लोग एडवाइस वो सब सुन के ऐसे सब थोड़ा सा भटक गया था, क्योंकि देखो जो तुम्हें एडवाइस दे रहे ना वो बुरे नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि उनका डेस्टिनी या उनका डेस्टिनेशन अलग है, उनको जहाँ जाना है वो अलग है, और मैं जो खुद से एक्सपेक्ट करता हूँ वो अलग है, तो फिर मैं बहुत टाइम लगा मेरे को ये समझने में, फिर अभी तो समझ गया, फिलहाल प्रायोरिटी सेट कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। कुछ भी यार जिंदगी में गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो रोड ट्रिप वाला व्लॉग है उसमें मैंने बीच में थोड़ा सा एक काइंड ऑफ ऐसा मोटिवेशनल स्पीच टाइप दिया, पता नहीं उसका क्या रिस्पॉन्स है कैसा आएगा, मैंने अब तक वो वीडियो अपलोड नहीं किया, वो थोड़ी देर में अपलोड करूंगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं सो जाऊंगा अभी। तो मैं उड़ गया गाइस, मेरे को पता नहीं कि कितना बज रहा है, ओ फक, 3:30 तक मैं सोया रहा यार, अब 5 बजे फुटबॉल खेलने जाएंगे, तब भी कुछ बिट्स करना है मेरे को एक्चुअली कॉल आया था साहिल का जस्ट सोने से पहले, उसने बोला था कि उसको आउटलास्ट वाली वीडियो बहुत पसंद आई, और वो अभी अपलोड करेगा, तुम लोग देखना यार, चेकआउट करना, जरूर चेकआउट करना, मेरे को बताना कि कैसी एडिट हुई है, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, एंड उसने कुछ बातें भी बोली कि अभी कॉन्टेंट और आने वाला है, आई एम एक्साइटेड फॉर हिज कॉन्टेंट, फॉर माई कॉन्टेंट एंड एवरीथिंग। यार मेरा इधर पैच क्यों है, ये क्या सीन है, मतलब यहाँ है, यहाँ एक होल है, और ये क्या, What the fuck is this? It's like a world map, bro. यार गाड़ी साफ करनी पड़ेगी यार, बहुत गंदी हो गई है। सर लेट है फिर से सर। अरे मेरा क्या पता रे कल रात। अरे तेरा भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, सेम ही हो रहा है, मेरा भी बहुत दुख रहा है सर, बेंड बोला था जॉगिंग पे मेरा कल, उसकी वजह से तो 3-4 आ गया मैं। आता है तो एक सेकंड, वो रॉबिन जैसा होता है मेरा प्रॉब्लम, राइट क्लिक दबाने का नजदीक आया था तुरंत बाल पे ही आता है। चलो आज गोल मारेंगे, गोल मारेंगे, गोल 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 काकाशी 69 क्या नंबर पे, हमारा पनवेल का काकाशी है सिल्वर 2 क्या बॉयस, ये है हम लोग आ गए खेलने को, ये हमारी पब्लिक, पब्लिक को दिखाओ रे, एवरीबॉडी इज हियर, आर्सेनल डूइंग गुड, ये ए मैं ए चुप रे, तू क्यों रे, तू बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर है ना, ये देखो ये बेस्ट प्लेयर को देखो, बेस्ट प्लेयर देखो, सेम सेम जर्सी, ये बेन फॉस्टर रोज 23 है 19 का, बट एक नंबर, व्हाट अ ट्रैप सर, घुसो अंदर, ओ भाई 3 कैप्टन,
लगता है अपन लास्ट पिक रहने वाले, लास्ट पिक। क्या रे शुभम, वो मेरे को पिक कर लिया भाई, आई एम नॉट लास्ट पिक। अरे क्या घोड़ा है कोष्टा भाई, जमीन दिख भी नहीं रहा उसके आगे। दूसरा शॉट भी आ गया, मार दे। क्यों भाई, अरे लाउड दिखा था से। ₹10 भाई, लास्ट मिनट रे। बुलाया तुझे, बुलाया लास्ट मिनट। अरे कोष्टा यार मार दे भाई, लास्ट टाइम। ये छोरी मार, कटा कटा, एक नंबर। अरे कौन मार रहा है ये भाई, ले कोष्टा का थोड़ा प्रेम ले, प्रेम ले। रुक ना, वीडियो में तो आने दे। लाइन देख रहे भाई, कोई नहीं देख रहा ना। हंस के मारेगा तो हक देगा, एकदम सीरियस। आ गया है, फिर से आ गया लगता है। कोष्टा कम ऑन, सेकंड अटेम्प्ट। अबे ये लाइन आ गया, और भी डालेगी लाइन। अरे नाइस रे, नाइस नाइस नाइस। ले कैमरा ले, कैमरा ले चैनल। माधव क्यों दे, बड़वे ने दो बार आ गया पेनल्टी, दो बार अभी बड़वे के गांड पे मार दिया। आदर्श 50-50 रहता है ना रे आदर्श। हां बराबर, देखो माना देगा इसको खेलने का। गांजा 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 गांजा, अरे मेरे को लगा था मेरा वाला। मैं भी देख, ओ भाई बोला ना लास्ट मिनट, चुप बैठो ना। फिर किसी को टाइम नहीं मालूम कितना हुआ, बट ये गो मस्त प्लान है। मस्त प्लान है। मार भाई, गोल गोल रही। मुझे सर्च करो, हम लोग आएंगे अंदर। फाइनली द गेम इज डन। एडिट करने बैठूंगा तब देखूंगा कि कितना अच्छा फुटेज आया, जो भी आया। बट यार मैं डिसअपॉइंटेड रहता हूँ, मैं हमेशा जीतने के लिए तो जाता हूँ। आज हम लोग एक भी गोल ऑन फील्ड नहीं खाया, बस हाँ एक भी गोल नहीं खाया हम लोग। लास्ट में एक खाया था, वो तो मैच काउंट भी नहीं करता। बट बाकी यार पेनल्टी मिला था, मैंने हक दिया। ओह माय गॉड, मैं आई गो टू विन। मैं बहुत कॉम्पिटेटिव हूँ और मैं डिफेंस में था, एक भी गोल जाने नहीं दिया। बट यार क्या पता यार मेरे टच और बॉल कंट्रोल को, ड्रिबलिंग को सब क्या हो गया, वापस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ना ये लेफ्ट शोल्डर में ना थोड़ा सा मेरे को हर दिन खेलने के बाद एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। बढ़िया, एनीवेज इफ यू गाइस एंजॉय द वीडियो प्लीज लाइक, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, नहीं है तो गांड मारो, एज द स्केच फ्रेज यू ऑल नो। और मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ आज के बाद से। सो या आई होप यू गाइस रियली एंजॉयड दिस, एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। अब नहाना है, वापस आना है, एडिट करना है, देन या रात को वैलोरेंट उसका गेम प्ले का वीडियो मेन चैनल पे आएगा। एंड या सो टेक केयर एंड पीस।